नमस्ते बच्चों, मैं मंजू कुमारी आज आप लोगों को क्लास 9 स्पर्श भाग 1 का पाठ अग्निपथ पढ़ाने जा रही हूँ। इनके राइटर हरिवंश राय बच्चन जी हैं। इससे पहले भी मैं बहुत सारा वीडियो बना चुकी हूँ, क्लास 9, क्लास 8, क्लास 9 और 10 का भी, स्पर्श, कृतिका, संचयन, क्षितिज का लगभग सारा वीडियो बन चुका है। क्वेश्चन आंसर भी बनाई हूँ, समरी भी बनाई हूँ। उसको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अभी मैं आप लोगों को अग्निपथ का फुल एक्सप्लेनेशन पढ़ाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं कवि का थोड़ी सी परिचय दे रही हूँ। तो हरिवंश राय बच्चन का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में 27 नवंबर 1907 को हुआ। बच्चन इनका माता पिता द्वारा प्यार से लिया जाने वाला नाम था, जिसे उन्होंने अपना उपनाम बना लिया था। बच्चन कुछ समय तक विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहे, फिर भारतीय विदेश सेवा में चले गए। बच्चन की प्रमुख कृतियां हैं मधुशाला, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, मिलन यामिनी, आरती और अंगारे, टूटती चट्टाने, रूप तरंगिनी और आत्मकथा के 4 खंड हैं। क्या भूलू क्या याद करूं, नीर का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, दस द्वार से सोपान तक। बच्चन साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार और सरस्वती सम्मान पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने संघर्षमय जीवन को अग्निपथ कहते हुए मनुष्य को यह संदेश दिया है कि राह में सुख रूपी छांह की कभी भी चाह नहीं करनी चाहिए और कर्मठता पूर्वक मनुष्य को आगे ही बढ़ते जाना चाहिए। कविता मनुष्य को संघर्ष करने की प्रेरणा देती है। कवि जीवन को अग्नि भरा मार्ग मानता है। संसार में कठिनाइयां ही कठिनाइयां हैं, मनुष्य को इन कठिनाइयों से कभी भी घबराना नहीं चाहिए और कभी भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए और हमेशा संघर्ष करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए, चाहे रास्ते में भयंकर कष्ट क्यों नहीं आए, तन का पसीना बहे या खून बहे, मनुष्य को सदा चलते ही रहना चाहिए। उसे रास्ते में आने वाली असुविधाओं और राहतों की मांग नहीं करनी चाहिए। ऐसे संघर्षशील मनुष्य का जीवन ही सफल हो पाता है, क्योंकि कवि जानते हैं कि जो मनुष्य को दुख मिलता है वही सच्चा मनुष्य हो पाता है, वही आगे मंजिल तक पहुंच पाता है। क्योंकि जिसके जीवन में सुख आता है वह अहंकार से भर जाता है, उसके अंदर प्रेम, दया, क्षमा, करुणा, सहानुभूति नहीं होती है, उसे जीवन में जीने की प्रेरणा नहीं मिलती है। इसीलिए कवि चाहते हैं कि दुख मिले जिससे मनुष्य आगे बढ़ते जाए। तो अभी मैं आप लोगों को कविता शुरू करने जा रही हूँ। कविता है अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। वृक्ष हो भले खरे, हो घने, हो बड़े, एक पत्र छांह भी, मांग मत, मांग मत, मांग मत, अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। कवि कह रहे हैं कि यह जीवन अग्नि से भरा हुआ है। जिस तरह आग में अगर कोई आदमी चला जाए तो चारों तरफ अगर आग लगा हो तो किस तरह से वह निकल पाएगा, बड़ी ही परेशानियों से उसे आग से निकलना पड़ेगा। उसी तरह यह जीवन अग्नि के जैसे परेशानियों से भरा हुआ है। यह जीवन इतना कठिनाइयों से भरा हुआ है, मुश्किलों से भरा हुआ है। हर पल हर क्षण एक न एक मुसीबत मनुष्य को आते रहता है और इस कठिनाइयों से आदमी का हिम्मत कभी कभी घबरा जाता है, वह आगे नहीं बढ़ पाता है। तो कवि कह रहे हैं कि चाहे कितना भी संघर्ष क्यों नहीं आए, परेशानियां क्यों नहीं आए, कठिनाइयां क्यों नहीं आए, लेकिन उससे आगे बढ़ते जाना चाहिए और कभी भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। वे कह रहे हैं कि रास्ते में भले ही वृक्ष क्यों नहीं खड़े हो और वृक्ष बहुत ही घने क्यों नहीं हो, लेकिन कभी भी एक पत्ता की भी छांव की आशा मन में नहीं लगाना चाहिए कि मुझे छांव में बैठना है। उसे बस रास्ते, मंजिल प्राप्त करने के लिए हमेशा आगे बढ़ते ही जाना चाहिए और कितना भी कठिनाइयां भरे रास्ते क्यों नहीं हो, उसे संघर्ष करते हुए आगे बढ़ते जाना चाहिए। यह जीवन अग्निपथ के समान है, इसकी कठिनाइयों को स्वीकार करना चाहिए। अग्निपथ मतलब रास्ते में अग्नि से भरा हुआ रास्ता है और उस
बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी परेशानियां आ सकती है, लेकिन कभी भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए और बस आगे ही बढ़ते जाना चाहिए। कभी यही संदेश देना चाह रहे हैं, कभी की दृष्टि, कभी का सोच आशावादी है, वे मनुष्य के अंदर आशा जगाना चाहते हैं, साहस जगाना चाहते हैं, मोटिवेट करना चाहते हैं। यह मनुष्य संसार में जो भी आदमी आए हैं, कोई भी यहाँ सुख से नहीं गए हैं, हर मनुष्य के साथ कुछ न कुछ परेशानियां आई है। और जो जो महान आदमी होते हैं, जो महान मनुष्य होते हैं, वे इन कठिनाइयों से घबराते नहीं, वे जानते हैं कि हमें मंजिल को प्राप्त करना चाहिए। आगे कभी दूसरे पैराग्राफ में कह रहे हैं कि तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न मुरेगा कभी, कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ, अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। आगे कभी कह रहे हैं कि हे मनुष्य, तेरे सामने कठिनाइयों से भरा हुआ संसार है। इस संसार में बहुत सारी ऐसी कठिनाइयां हैं जिसे देखकर तुम्हारा मन घबरा जाएगा। तुम शपथ ले, तुम कसम खाओ कि इस मार्ग पर तुम निरंतर चलता रहेगा, कभी तुम इन कठिनाइयों से घबराएगा नहीं, इन कठिनाइयों से कभी भी थमेगा नहीं, रुकेगा नहीं, अपने कार्य के प्रति लगन से आगे बढ़ते जाएगा, अपने चाल को रोकेगा नहीं और कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। तेरे चारों ओर यह कठिनाइयों से भरा संसार है, हे मनुष्य जगो और अपने हिम्मत से, अपने विवेक से, अपने बुद्धि से तुम आगे ही बढ़ते जाओ, घबराओ नहीं, तुम कसम खाओ, शपथ लो कि हमें आगे ही बढ़ते जाना है, मुझे कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखना है, लो शपथ, लो शपथ, लो शपथ। यह कवि कह रहे हैं। आगे कवि कह रहे हैं, यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु श्वेद रक्त से लथपथ, लथपथ, अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि हे मनुष्य, यह संसार आग से भरे रास्ते के समान कठिन है। इस कठिन मार्ग पर सबसे सुंदर दृश्य तो यही हो सकता है कि मनुष्य कठिनाइयों को झेलते हुए निरंतर चल रहा है। कठिनाइयां झेलते झेलते उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, क्योंकि जब परिस्थितियां आती है तो मनुष्य के आंखों से आंसू तो बहती ही है, लेकिन कभी भी तुम हिम्मत मत हारो। चाहे कितना भी शरीर से पसीना बहे, कितना भी तुम्हें मेहनत का काम करना पड़े, कितना भी खून शरीर से खून भी बह जाए, कभी कभी परिस्थिति ऐसी भी आ जाए कि तुम्हारे शरीर से खून पसीना भी बहाना पड़े, लेकिन तुम अपनी मंजिल को कभी नहीं भूलेगा, तुम अपनी मंजिल को सदा याद करते रहेगा, आगे बढ़ते रहेगा, फिर वह इसकी परवाह किए बिना निरंतर संघर्ष पथ पर तुम चलते रहो। सामने कठिनाइयों से भरा मार्ग है, फिर भी तुम चलते रहो। मनुष्य को यही प्रेरणा दे रहे हैं कि यह जो रास्ता है अग्नि से भरा हुआ है, हर मनुष्य को यह अग्नि पथ का सामना करना पड़ता है, तो इस अग्निपथ से कभी भी घबराओ नहीं, क्योंकि जीवन एक संघर्ष से भरा है, जीवन कठिनाइयों से भरा है। कोई भी अगर चाहे कि इस जीवन में केवल सुख ही मिलता है, तो किसी भी इंसान को केवल सुख ही नहीं मिला है। हर इंसान जो भी यहाँ इस पृथ्वी पर आया है, सबको दुख और सुख दोनों मिले हैं, लेकिन सच्चा मनुष्य वही होता है जो सुख दुख से ऊपर होता है। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं कि प्रभो, मुझे हर प्रभावों से ऊपर उठाओ। उनका कहना है कि मेरे जीवन में चाहे दुख आए, चाहे सुख आए, चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, मुझे हर परिस्थिति से ऊपर उठाओ प्रभो, क्योंकि इन परिस्थितियों में मुझे आपकी याद आती है और मेरा जीवन का एक ही लक्ष्य है, ईश्वर को पाना। और ईश्वर का को पाने के लिए जीवन में बहुत सारी परिस्थितियां आती है, संघर्ष आता है। हे प्रभु, मुझे इन सारी परिस्थितियों से ऊपर उठा दो। और बहुत बड़े बड़े महान पुरुष जो भी हुए हैं, उन्होंने केवल दुख ही मांगा है। एक कवि तो ऐसे कह रहे हैं कि प्रभु मुझे दुख दो, पर वह दुख दो जो गोपियों को मिला था। यानी वे कह रहे हैं कि गोपियों को जो दुख मिला था कृष्ण के लिए, जब कृष्ण गोपियों को छोड़कर मथुरा चले गए थे, वृंदावन से मथुरा चले गए थे, तो क्या हुआ था, गोपियां कृष्ण की याद में तड़प रही थी, वे रो रही थी और रात दिन प्रभु की याद करती थी, फिर कृष्ण उनको दर्शन देते हैं। तो इन कविता के माध्यम से कवि
मनुष्य को यह संबोधित कर रहे हैं कि यहाँ जो आए हैं मनुष्य, जो विद्यार्थी जीवन जिसका है, उसे अपना लक्ष्य जो होता है उसे कोई जॉब करना है, कुछ भी उनको प्राप्त करना है जॉब के लिए, तो यह एक अलग लक्ष्य है। लेकिन इस कविता का दूसरा भी अर्थ कवि यहाँ दे रहे हैं कि जीवन का दूसरा अर्थ है ईश्वर की प्राप्ति करना। तो इन कविता के माध्यम से दो अर्थ निकल सकते हैं, जो जो विद्यार्थी जीवन में जो स्टूडेंट है उनके लिए जो लक्ष्य है, जो कोई बड़े ऑफिसर बनना चाहते हैं, जिनका कोई एक लक्ष्य है कि हम आईएएस ऑफिसर बने, कोई चाह रहे हैं कि मैं इंजीनियर बनूं, कोई चाह रहा है कि हम डॉक्टर बनकर देश की सेवा करें, तो वह अपने लक्ष्य पर अडिग रहे हैं। और इसी के साथ साथ दूसरा अर्थ यह भी निकलता है इस कविता से कि मनुष्य जो इस जीवन में आया है वह एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आया है, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए आया है। तो इस ईश्वर की प्राप्ति के लिए अनेक तरह की बाधाएं उनके जीवन में आएगी, लेकिन जो सच्चा मनुष्य होता है वह कभी भी परिस्थितियों से नहीं घबराता है, बस वह आगे ही बढ़ते जाता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। तो आशा है आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा, और अगर अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे जरूर क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि आपको यह कैसा लगा। आगे नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूंगी। धन्यवाद।